जिंक सुपर फास्ट की हल्की हल्की सी उसमें ऐसे पकड़ो चुटकी में और चारों तरफ डाल के छोड़ दो जिंक को। पानी का निकाल निकास होना चाहिए तब पौधे को। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको ले आई हूं अपने यहां की फेमस बहुत ही अच्छी नर्सरी में, लिटिल गार्डन नर्सरी, जो कि हमारे कमलवा काजा रोड पे त्रिमूर्ति मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पे है। और यहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्लांट हैं, नए नए प्लांट आ रखे हैं और बहुत अच्छे रेट पर भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पर हमारे मालिक काका हैं वो इतने नॉलेज जानते हैं, इतना अनुभव उनको है, इतनी चीज़ें वो आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको मैं अली काका हैं ये बताएंगे। ये देखो, ये आम के पेड़ आ रखे हैं, ग्राफ्टेड प्लांट हैं सारे के सारे, किस टाइप के हैं, कैसे इनको लगाना है, क्या रेट के हैं ये? पड़ेगा आपको 150 रुपये का। 150 रुपये का ये एक प्लांट पड़ने वाला है। और ये पौधे कहाँ से आते हैं, यहाँ पे कहाँ से आए हैं ये? सब मलियाबाद। मलियाबाद, मलियाबाद कहाँ हुआ ये? कोलकाता? ये लखनऊ के पास। अच्छा, लखनऊ के पास। अच्छा, लखनऊ के पास। अच्छा, मलियाबाद फेमस जगह है, जो जानते होंगे नर्सरी वाले सभी जानते हैं, लखनऊ के पास है, वहाँ से ये प्लांट लेके ये आ रखे हैं। काफ़ी फ्रूट के प्लांट हैं, मैं और भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए, ये अमरूद के प्लांट हैं और छोटे छोटे प्लांट हैं, ग्राफ्टेड प्लांट हैं और अमरूद लग गए हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी की है। जब भी पहले आपको प्लांट सेलेक्ट करना है तो वैरायटी अच्छी लेनी चाहिए, जो कि हमारे उसमें अच्छे फल लगें। ये देखिए, इतने छोटे छोटे प्लांट में देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल, ये अमरूद लग चुका है इनमें, ये देखिए बहुत सुंदर ये लग रहा है। अच्छा, बेला और मोगरा अलग अलग हुआ। अच्छा, ये मोगरा वो पेड़ में रहेगा, ये बेल में रहेगा। अच्छा, ये मोगरा हो गया, पेड़ में रहेगा, और ये बेला है तो ये बेल वाला रूप ले लेता है। अच्छा, बेला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? ये गुड़हल है। गुड़हल है ये पीले और कलर का, ये आपका चांदनी डबल में। अच्छा, ये वाला चांदनी डबल में है। अच्छा, खुशबूदार, ये पूरा गुड़हल का हो गया। और ये बीच में फूल वाले फ्लावर पेंटास, और ये फुलवेरिया चंपा। ये फुलवेरिया चंपा, ये कितना प्यारा फूल लग रहा है, देखिए फुलवेरिया चंपा का प्लांट है। 10 महीने पूरे 10 महीने। जनवरी फरवरी में फूल नहीं देता, तीन कलर है, चार, ये पीला कलर भी अच्छा है, गुलाबी है, लाल है, ये सफेद है। अच्छा, सफेद कलर में भी होता है। अच्छा, चार कलर में होता है ये। कबूतरी की ये कबूतरी कुरोतन, ये कुरोतन का नाम भी है, कबूतरी कुरोतन। ये वाला फ्लावर क्या है? ये आलमंडा है। ये आलमंडा है, इसको बहुत सुंदर फ्लावर है। ये 10 महीने पूरा फ्लावर है, पूरे 10 महीने फ्लावर देता है, वही दिसंबर जनवरी में नहीं देता है। ये नारंगी है, ये देखिए, ये भी ग्राफ्टेड है, ये रेशमी नारंगी है, रेशमी नारंगी खाई जाती है, खाई जाती है। कितना फलाता है इसमें? चाय की है। अच्छा, और क्या पौधा का सेकंड में डबल कर लो तो कम से कम 500 फल दे देंगे। 500 फल दे देगा एक बार। अच्छा, अच्छे से अगर लगाया जाए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये वाला क्या चीज़ है? ये कामनी है। कामनी, कामनी का साइज ये है। अच्छा, पिंक कलर है इसमें। अच्छा, कामनी, ये वाला प्लांट परसों ले गई हूँ मैं, इसका नाम ये है टिकोमा। टिकोमा, और ये तो बोगन बीजा है, पौधे वाली। हाँ, अच्छा, पेड़ वाली नहीं। अच्छा, पेड़ वाला। हाँ, ये भी हमेशा फ्लावर देता है, हमेशा फ्लावर देता है। इसको क्या है, पानी कम रखो तो फ्लावर चलता रहता है, अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो पौधा भरी। गंदम कभी भी पानी दी है, अधिक मत दो, जब मीठे की सपोर्ट तभी पानी दी। अच्छा, एडेनियम भी दिख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्लांट, एडेनियम के बारे में बता दो कुछ है। एडेनियम जो है, हाँ, ये देखिए एडेनियम के प्लांट भी यहाँ पर आ गए हैं। ये अक्सर हम देखते हैं, लेकिन मुझे कहीं और दिखा नहीं था नर्सरी में, ये प्लांट आ गए हैं यहाँ पर। इनका प्राइस क्या होगा? ये है 300 रुपये। 300 रुपये का प्राइस है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये आपका 6 साल का पौधा है। 6 साल का पौधा है। अच्छा, और इसमें फूल कौन कौन से कलर के हैं? ये ब्लैक कलर में है। अच्छा, ये पिंक कलर है। अच्छा, बहुत अच्छा, ये दोनों पत्ते अलग हैं। और अक्सर इससे जो पानी बिल्कुल ना के बराबर चाहिए। हाँ, और गर्मी में बहुत फूल देता है, गर्मी में तो दबा के। अच्छा, जाड़ों में फ्लावरिंग नहीं होती है। और इधर ये सकुलेंट्स, सकुलेंट्स हो गए, बहुत सुंदर लग रहे हैं सारे सकुलेंट्स। सकुलेंट्स फिर कभी बता देंगे, बना देंगे, अभी उधर दिखाते हैं। ये फर्स्ट लव है, ये फर्स्ट लव का पौधा है, बोल रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अलग अलग कलर में होता है, तो फर्स्ट लव का प्लांट भी है ये, मैं पहली बार सुन रही हूँ। गुलाबी कलर। अच्छा, गुलाबी, ये पीला है, गुलाबी है, ये रेड भी थे यहाँ पर, ऑरेंज रेड भी थे, वो फ्लावर हो चुके हैं। इसको हेमेलिया, ये हेमेलिया का प्लांट है, पूरा भूसी हो जाता है और पूरे साल भर ये भी फ्लावर देता है, ये भी परमानेंट प्लांट है, तो ये बहुत अच्छा है घर में लगाने के लिए। ये तो अपराजिता की बेल है, अपराजिता है, इंदौर और
इंदौर ही रखी जाती है। अच्छा इंदौर रखा बाहर रखेंगे तो कलर इसका ग्रीन रहेगा। अच्छा कि कलर ग्रीन हो जाएगा ये कलर और ये रहेगा। अच्छा इंदौर रहेंगे तो पीला कलर भी रहेगा। अच्छा कलर हल्की फुल्की ना के बराबर धूप पहुँचती है छनी हुई धूप जहाँ पर आए लटकाने वाले का मूल इसका नाम क्या है ऐसा करेगा सुंदरी। अच्छा इधर दिखाइए ये एरिका है एरिका पाम देखिए कितना सुंदर हरा भरा हो रखा है। इसके बारे में बताओ कुछ जरा एरिका पाम को पानी कैसा चाहिए। इसे भी नॉर्मल पानी चाहिए जब तक गमला मिट्टी सफ़ेद देखो तभी डालो पानी। अच्छा वरना पानी मतलब इंडोर प्लांटों में गमले कोई भी प्लांट है जब तक सफ़ेद मिट्टी ना हो तब तक पानी मत। और इसमें ये हरा भरा नहीं होता अक्सर पीला हो जाता है कहते हैं ना लोग की तो उसमें क्या करना चाहिए कि हरा रहे एरिका पाम का दो एक जिंक आती है। अच्छा जिंक सुबह फास्ट में हल्की हल्की सी उसमें ऐसे पकड़ो चुटकी में वो चारों तरफ डाल के छोड़ दो जिंक को। जिंक अच्छा हल्की पानी इतना देना है जिंक का असर बाहर ना जाए। हाँ जिंक मतलब पॉट से पानी बाहर नहीं निकलना है जिंक डाल देना है थोड़ा सा हरा सा जिंक इसमें डाल देंगे क्योंकि एरिका पाम की बहुत कंप्लेन आती है उनका एरिका पाम पीला हो जाता है तो जिंक डालना है थोड़ी सी और पानी इतना देना है कि पॉट से बाहर ना आए तो एरिका पाम इस तरह से हरा भरा हो जाएगा। इतने छोटे से पॉट में देखिए इतने बड़े बड़े और इतने वो हो रखे इनका प्राइस क्या है। ये 150 रुपये का है। अच्छा ये 150 80 रुपये। हाँ ये 150 ये बड़े प्लांट है ये 150 रुपये के हैं उधर अभी 80 रुपये के प्लांट भी हैं वो छोटे प्लांट है थोड़ा वो 80 रुपये के हैं। ये देखिए ये पीस लिली है फ्लावर खिला है इसमें अब सीजन तो अभी गया इसका ना आप फ्लावर ये आप इंडोर भी रख सकते हैं। हाँ ये इंडोर प्लांट है और वैसे ये हल्की धूप छाया में रहेगा खिलता रहता है। अच्छा अभी एक बार और खिलेगा और खिलेगा मैं हल्की धूप छाया में रखना है इसको पानी ज़्यादा नहीं देना पानी नहीं पानी इसमें ज़्यादा नहीं पानी तो किसी को भी मतलब कोई भी पौधा हो पॉट का हाँ पानी ज़्यादा मत दीजिए। अच्छा तभी देना है कि जब उसकी मिट्टी हमें ऊपर से सूखी लगे सूखी लगे तो हम उसमें पानी देंगे तब दीजिए। अच्छा ये है इंडोर के ये भी इंडोर रख सकते हैं इनका नाम क्या है ये सेलम जनाडू। सेलम जनाडू अच्छा इसको भी इंडोर रखेंगे इसका भी वही कि पानी कम देना है मतलब इंडोर प्लांट जितने भी हैं हाँ सब में पानी कम। और ये सिंगोनियम की अलग सी वैरायटी दिखी ना। हाँ सिंगोनियम में दो तीन वैरायटी हैं सिंगोनियम की अलग वैरायटी है ये देखो इसका कलर रेड सा है एक तो नॉर्मली हम लोगों के यहाँ यहाँ अक्सर होता ही है अगर ये अलग अलग वैरायटी के भी होते हैं कि नहीं क्या होगा भी अभी एक वैरायटी और आ चुकी है इसमें। अच्छा बिल्कुल पतली पत्ती की है लेकिन महंगी होनी वैसे नहीं लगी। अच्छा और इसका प्राइस क्या है 50 रुपये इनका 50 रुपये है। अच्छा ठीक है ये एक मेरे लिए अभी मैं निकालूंगी प्लांट साइप्रस इसको दिखाना इसमें अच्छा। कोई भी डिजाइन बनाओ कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अच्छा इसमें गोल्डन साइप्रस में इसको ऊपर करके फिर इसका डिजाइन बना लिया ये बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर अच्छा अच्छा लगेगा इसमें चाहे बच्चे टाइम में बना लो हाँ चाहे गेट बना दो उसके हाँ एक इधर उधर लगा दो हाँ गेट बना दो। और ये पपीते के दाने पपीता कैसा है ये रेड लेडी है। रेड लेडी अच्छा पपीते के प्लांट आए हैं रेड लेडी इसका प्राइस क्या है 30 रुपये प्राइस में पपीते के प्लांट है यहाँ पर रेड लेडी बहुत अच्छा प्लांट है हाइब्रिड ही हुआ है ये गोल में है। अच्छा और वो लंबे में अच्छा एक गोल में एक लंबे में और प्राइस जो है 30 रुपये है ना 30 रुपये प्राइस है बहुत अच्छे यहाँ पर प्लांट मिलते हैं मैंने वही कहा कि बहुत अच्छे रेट में यहाँ पर प्लांट मिलते हैं। एक मोर पंखी है देखिए अलग है वेरीगेटेड है वेरीगेटेड वैरायटी की है ना ये मोर पंखी करीबन पड़ा होगा उसको 3600 का मतलब ये बहुत महंगी प्लांट है। ये एक प्लांट 520 रुपये का बैठा है ये एक प्लांट 520 रुपये का है बहुत मतलब है ही कुछ अलग सा प्लांट तो है ही ये महंगा प्लांट है यहाँ पे अलग सुंदर रहा है लेकिन सैफ्लोरा बोंजाई बनाने के लिए इंडोर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा कोलियस की भी कलर दिख रहे हैं यहाँ पर अलग सा ये कोलियस है हाँ और गुलदावदी तो पीछे अभी नहीं गुलदावदी तो अभी आपको देंगे दिखाएंगे हम अक्टूबर अच्छा सितंबर 1 से। अच्छा गुलदावरी अभी नहीं वैरायटी जो है थाईलैंड वाली लगा रखी है। अच्छा थाईलैंड वाली अच्छी जो कि आपके यहाँ 12 महीने की लगेगी गुलदावरी। अच्छा इसमें वो सितंबर से वो करना शुरू करो वो सेल होगा बहुत शुरू होगी। अच्छा अच्छा अभी हमने यहाँ लिया था स्टेप एक टहनी सीधी उठाई अब हम यहाँ से एक टहनी और उठाएंगे बस। अच्छा फिर यहाँ एक स्टेप बना देंगे। अच्छा तो ये बहुत सुंदर बन जाएगा ऐसे प्लांट ये इसको अच्छे से सो के उससे बना के इसकी ग्रोथ कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। ये 300 रुपये का ये इसको यहाँ पर लोगे इनका करा हुआ तो ये 300 रुपये का यहाँ तक मिलेगा और वैसे वो 100 रुपये का। अच्छा वैसे वो 100 रुपये का ये अलग अलग वैरायटियाँ हैं 4-5 वैरायटी वो बड़ा वो भी अच्छा लग रहा है पत्ते पत्ते ये क्या है
ये भी क्रोटन है, ये क्रोटन है, और इसमें आपकी एक वैरायटी वो है, क्रोटन भी बहुत वैरायटी। ये कितने कितने के प्लांट होंगे? ये 60 रुपये का। अच्छा 60 रुपये के ही सारे प्लांट, क्रोटन के 60 रुपये के। बहुत अच्छा प्राइस है, वही मैं कह रही हूँ कि मैं और जगह भी नर्सरी गई, मुझे ऐसे प्राइस कहीं पर देखने को नहीं मिले जो प्राइस काका के यहाँ पे है। ये काहे का है? ये कामली। अच्छा ये कामली। इसका आप 6 फुट तक ले जाओ पौधे के। अच्छा 6 फुट के बाद छाता बना सकते। अच्छा जो इसमें फूल खिलता है उसमें बिल्कुल आराम से नीचे 4 पेयर लगा के बैठे। अच्छा ये वो वाला। अच्छा कामली नाम हुआ इसका। ये कितने का है? ये 100 रुपये का। अच्छा ये चांदनी वैरायटी और रही है। अच्छा चांदनी की वैरायटी है भी। अच्छा फल में जो है चौके बराबर दाना है। अच्छा गुठली चौके बराबर। ये रामनगर वाले में गुठली होती मोटी। अच्छा इसमें गुठली मोटी नहीं होती, जौर नहीं कम देख जौर नहीं होती। अच्छा ये अच्छा होता है। और ये आगे के हैं? ये चीकू है, क्रिकेट बॉल। अच्छा चीकू। ये वैरायटी कैसी है? ये क्रिकेट बॉल। अच्छा ये नरेंद्र सेवन है, आंवला नरेंद्र सेवन नाम। अच्छा ये भी हमारे पॉट में लग जाएगा आसानी से, आराम से 14 इंची पॉट में, 14 इंची पॉट में आराम से ये भी लग जाएगा। और इलीची भी 14 इंची में, चीकू भी 14 इंची में लग जाएगा। तो एक मेरे लीची भी निकाल देना है, ठीक है, एक चीकू भी निकाल देना से आम की। और ये गुलाब की वैरायटी है वो भी, ये देखिए हाँ फलता हुआ। अच्छा ये निकलने लग गया चीकू, हाँ ये देखिए इतने छोटे से प्लांट में ये देखिए निकलने भी लग गया है। और देखिए इसी में ये लोग ग्रो करते हैं, काम हुआ, इंडोर आउटडोर दोनों रख सकते हैं। और ये चाइना पाम ये तेज धूप में नहीं रहता। अच्छा और वही पानी कम चाहिए इनको, भी इंडोर हुआ पानी। इसकी प्राइस क्या है? ये 80 रुपये। 80 रुपये की प्राइस। बहुत बढ़िया प्राइस, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा यहाँ पर प्राइस लगे। ये 12 मासी नींबू, 12 मासी नींबू बोल रहे हैं, कलकतिया। अच्छा और हाइट से ज़्यादा नहीं होती। अच्छा और इतने छोटे छोटे पेड़ में देखो नींबू लग गए हैं। अभी तो वैरायटी और क्वालिटी अच्छी लेनी चाहिए प्लांट की, तो वो अच्छे फल में देता है ना। अगर क्वालिटी अच्छी ना हो जमीन लगाएंगे तो ही है। गमले में, हाँ गमले में छोटा ही रहेगा, जमीन में बड़ा होगा और काफ़ी फ्लावरिंग इसमें होगी, ग्रूटिंग होगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसमें ये मान के सफ़ेद गुलाब और ये पीला गुलाब दिख रहा है। हाँ फ्लावर पीला है, ये डबल सेट में पिंक में है। हाँ वो भी पिंक है, ये अलग, ये अलग। और ये मांडवेला है, मांडवेला ये 100 रुपये का पड़ेगा। अच्छा ये देख लो। और इधर ये पीला और ऑरेंज, ऑरेंज ये 100 रुपये, 100 रुपये। बाकी गुलाब है, ये सब 100 रुपये गुलाब। ये 6 पैसे गुलाब। हाँ ये है 6 पैसे गुलाब। वो देखिए उसमें फूल खिला हुआ है। अच्छा वहाँ खिला हुआ है। तो मैंने आपको नर्सरी दिखा दी है, काका ने बहुत ज़्यादा जानकारियाँ दी हैं, बहुत चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। कुछ अभी वो आप लोगों को भी बताएंगे और कुछ प्लांट मैं लेके जा रही हूँ और कैसे लगाना है क्या लगाना है वो बताएंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि कैसे लगी नर्सरी। तो उसको लगाएंगे कैसे आप कुछ बता दो उसके बारे में। कुछ है ना, हाँ पहले तो भाड़ देना। हाँ जिससे गमले में लगा रहे हैं, एक कचरा गोबर, एक कचरा मिट्टी दोनों मिलाना, और एक मिट्टी पोटाश। हाँ ये फसलों में एक मिट्टी पोटाश डाल के मिला के ठीक हो। और गमले में इतना जरूर ध्यान रखना, नीचे गिट्टी जरूर लगाना, पानी का और निकास होना चाहिए। तब पौधे को यहाँ तक दबा, यहाँ तक दबा सकते हैं, ठीक है। इसको तो यहाँ तक दबा सकते हैं, चीकू को जो है इतना ही दबाना पड़ेगा। अच्छा चीकू को यहीं तक दबाएंगे क्योंकि यहाँ से इसका ग्राफ्ट हुआ है, तो चीकू के प्लांट को यहीं तक ही दबाएंगे। इसको ध्यान रखना, ये जो जड़ से आती है ना, हाँ ये नहीं आनी चाहिए, तोड़ देना। अच्छा अच्छा शक्कर बोलते हैं इसको, शक्कर, शक्कर जो ये शक्कर होती है ग्राफ्ट से नीचे कोई भी शक्कर होती है उसको हटाना पड़ता है शक्कर को, ठीक है। इन दो में ध्यान रखना होगा, ताकि ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड वो डायरेक्ट ही बनाई हुई है टिश्यू कल्चर द्वारा। अच्छा टिश्यू कल्चर द्वारा, ये ग्राफ्ट है। अच्छा ये ग्राफ्ट है, ये डायरेक्ट बनाए गए हैं, हाइब्रिड जो है टिश्यू कल्चर द्वारा। तो शक्कर लगाने का तरीका एक ही है, और कभी भी कीटनाशक के लिए जो है मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया कि 5 लीटर, हाँ ये बता दो, हाँ गऊ के पेशाब ले लो, गौमूत्र ले लो, गौमूत्र लिया 5 लीटर, हाँ और उसमें 4-5 किलो गोबर लिया, हाँ और 1.5 किलो गुड़ ले लिया। तीनों चीज़ों का 15 दिन रख दिया, उसमें पानी मिला के बंद कर दीजिए। अगर 10 लीटर पानी मिलाया तो उसमें से आधा लीटर निकालें,
और 6 लीटर पानी मिला के तब स्प्रे करें। आधा लीटर को 6 लीटर मैंने स्प्रे करना है। पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं, पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं, स्प्रे डालते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक हमको बता दिया है उन्होंने कि सारी दवाइयाँ से गौमूत्र गोबर गौमूत्र गुड़ को 15 दिन तक रखना है और उसके बाद उसका पानी मिला के जो है फर्टिलाइजर डालना है। वो बहुत बेस्ट है, सबसे बढ़िया ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना दिए। और जिनके प्लांट में पौधे फूल नहीं आते फल नहीं आते वो लोग केमिकल डाल सकते हैं। उसमें क्या डाल देंगे वो डीएपी वगैरह बोल रहे हैं। डीएपी है, ये तो जिंक ही डालने सकते हैं। अच्छा जिंक, हाँ ग्रीन भी करेगा पौधे को। हाँ और ग्रीन भी बनाएगा जिंक। हाँ अगर जैसे बाई चांस फल गिर गया है तो सांप का पैकेट आता है, काहे का सांप दवाई आती है। अच्छा सांप दवाई उसका स्प्रे कर दीजिए। अच्छा फूल के टाइम में। अच्छा फूल के टाइम गिरेगा नहीं। अच्छा अगर फल गिर रहा है तो एक सांप दवाई आती है तो उसमें स्प्रे कर देना है ना, फूल और फल नहीं गिरेगा उसमें। और जो गौमूत्र है जो उसको तो आप स्प्रे करेंगे, उससे कोई कीड़ा लग नहीं लगेगा। अच्छा गौमूत्र से कोई कीड़ा नहीं लगेगा किसी प्रकार का भी। अच्छा बल्कि यहाँ तक अगर सांप जैसा होगा और सांप के ऊपर गिर गया गौमूत्र, अच्छा वो ही बात खराब होगा। अच्छा चलो तो बहुत अच्छी जानकारी हमें काका ने दी है, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और बहुत जानकारी मुझे तो बहुत जानकारी दी, कुछ मैं बता पाई हूँ कुछ नहीं देखा पाई हूँ, वो मैं अपनी वीडियो में आपको शेयर करते रहूँगी आगे बताते रहूँगी, आप वीडियो देखिएगा। तो बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। और जो मेरे इधर अगर आप ऑनलाइन कोई यहाँ से प्लांट मंगाना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर सब कुछ डालूंगी और आप यहाँ से ऑनलाइन प्लांट मंगा सकते हैं। ये भेज देंगे, बहुत सुरक्षित तरीके से प्लांट भेजेंगे और रेट बहुत अच्छा है। यहाँ हल्द्वानी में कहीं आपको इतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा नर्सरी में, वो मैंने भी जाकर देख लिया है सब जगह। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय। इनकी रिपोर्टिंग में घर में नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी कैसे लगाना है, वो आप बने रहिएगा।